बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे अंदाज से गुजार रहे होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि बनानी बेहद आसान है और बन भी मिनटों में ही जाती है। लेकिन रेसिपी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये बेसिकली आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम काम बेहतर कर रहे हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने लिया है एक अदद ब्रेड और इसके सेंटर वाला पार्ट हमने रिमूव करना है। यूं हम एक गिलास को इसके ऊपर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसका सेंटर वाला पार्ट रिमूव हो गया है। चलते हैं आगे के प्रोसेस में। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे एक अदद पैन और इसमें डालेंगे ये 1 टेबल स्पून हमारे पास बटर है और इस बटर को यहाँ पर हमने मेल्ट करना है। ये देखिए, यहाँ पर मक्खन जो है वो मेल्ट हो चुका है और अब हम इसमें रख देंगे ये ब्रेड का स्लाइस। यहाँ पर चूल्हे का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो है और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो अंडा। यहाँ पर इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको 2 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए, यहाँ पर इसको कवर किए हुए 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम इसको हिलाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडे ने पैन को छोड़ दिया है और अब हम इसके ऊपर एक चुटकी डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और एक चुटकी ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक और अब हमने इसकी साइड को बहुत ही ध्यान से चेंज करना है ताकि ऊपर वाली साइड भी पक जाए। यहाँ पर फिर से इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देंगे ताकि नीचे वाली साइड भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर नीचे वाली साइड को भी 2 मिनट हो चुके हैं कवर किए हुए और अब हम इसको भी खोल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं आपको साइड चेंज करके दिखाती हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे वाली साइड भी कितने अच्छे से पक चुकी है। अगर आपको हाफ फ्राई अंडा चाहिए तो आपने ऊपर वाली साइड को बिल्कुल भी नहीं कुक करना, जस्ट एक ही साइड आप इसकी कुक करेंगे। ये देखिए, मजेदार सी हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है और यहाँ पर ये जो पार्ट हमने निकाल के रखा हुआ था वो भी हम बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे, इसको भी खूबसूरत सा कलर देंगे। और चलते हैं फिर फाइनल लुक की तरफ, आपको काट के दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये लीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मजेदार सा नाश्ता हमारा बन के तैयार हो चुका है। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को और आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।